एवरीवन, बहुत ही टेस्टी इंदौरी पोहा बनाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम करेंगे और इसमें हम डाल देंगे सरसों के दाने, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, पिंच ऑफ हींग। इंदौरी पोहे में हींग थोड़ा सा जाता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा ही डालना है बस, पिंच ऑफ। इसके बाद हम डालेंगे 5 चम्मच ग्रीन चिली और इसको अच्छे से सौते करेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए। और फिर इसके बाद हम डाल देंगे फाइनली चॉप अनियंस। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज वाला जो अनियन है वो लिया है और इसको फाइनली चॉप कर लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। अब जो हमारा अनियन है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस हमको उतना ही पकाना है, गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। हल्का सा पिंक जो कलर आता है वो हो जाए, उसके बाद हम इसमें जो हमारा पोहा है वो डाल देंगे। तो पोहे को मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको 5 मिनट ऐसे ही रहने दिया था। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले। तो जो मसाले हैं मैं इसी में डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा हल्दी डाला है 1 छोटा चम्मच। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है ड्राई मैंगो पाउडर, आपके पास नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा, आप लेमन जूस डाल सकते हैं। फिर मैं यहीं पर डाल दूँगी सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए और बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको पीनट्स अच्छे लगते हैं पोहे में तो इस टाइम पे आप रोस्टेड पीनट्स डाल सकते हैं। तो ये हो गया डन। इसके बाद जो अनियन है वो भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं इतनी देर में, और ये सारा जो मिक्सचर है अच्छे से मिक्स करके पोहे जो है हम इसमें डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। जो पोहा है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए आपको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करना है और बस इसको इस तरह से मिक्स करके हल्का सा पानी छिड़कना है। ये ट्रिक है, इससे पोहा आपका बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, जैसे इंदौरी पोहा बनता है ना एकदम स्टीम वाला। तो बस आप हल्का सा पानी उसको छिड़क दीजिए और इसको कवर कर दीजिए सिर्फ 2-3 मिनट के लिए। और इसके बाद जब इसको आप देखेंगे 2-3 मिनट बाद, तो ये बहुत ही सॉफ्ट और यमी पोहा बनके रेडी हो जाएगा। और ऊपर से हरा धनिया के साथ गार्निश कीजिए, तो बहुत ही सिंपल पोहा रेडी है।